encima. तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी? आइंदा अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चलो। कट। लगी तो नहीं। थैंक यू सर। डायलॉग ठीक था? वेल डन। थैंक यू सर। लाओ भाई पानी दे। पॉल, यू आर लुकिंग डैम गुड यार। वो किसिंग वाला सीन फिर से हो जाए? नो थैंक्स मंजू। वैसे तुम भी क्या शॉट देती हो? बिल्कुल नेचुरल। मैं तो अपने आप को भूल ही चला था। ओह रियली? इसी बात पर एक एक कप कॉफी हो जाए? आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे स्विमिंग पूल पर किसी से मिलना है। मस्ट का फिट फॉर एक्शन, यू नो। चल बाय बाय सुबह साहब। बाय। हाय पॉल डार्लिंग, आज स्विमिंग पूल पर जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, रियली सॉरी। माफ कर दो। ना 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 ना, फोन मत बंद करना। जाने मन, व्हाई डोंट यू कम ओवर फॉर ए नाइट कैप? गेट लॉस्ट। ताहरतिया जगाए पिया हमका, संभल के डार्लिंग। जगाए और पिया तरसाए के तो यह। वॉचमैन जी, जी आई एम मैम साहब। साहब को गाड़ी में बिठाओ जी। आइए। बाय बाय। हाँ आइए। अरे ये तो हमार रोज का ड्यूटी है। आइए। बाय बाय। आराम से साहब। बाय बाय बाय। मैंने कहा शुभ रात्रि साहब जी। कई फिल्में देखी सर मैंने आपकी, लेकिन वो क्या है ना सर, आप ही वो आखिरी शख्स हैं जिससे मकतूल निमी की आखिरी मुलाकात हुई थी। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाद निमी ने एक मुलाकात और की थी। हैं? इससे? अपनी मौत से। फनी सर, वेरी फनी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बिजी आर्टिस्ट हूं। आप एक गलत मामले में एक गलत आदमी पर एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मदन साहब, यह भी तो हो सकता है कि मैं एक सही मामले में एक सही आदमी पर एक सही इल्जाम लगाने की सही कोशिश कर रहा हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस रात में नशे में इतना चूर था कि खुद निम्मी और चौकीदार ने मुझे सहारा दिया, मुझे गाड़ी में बिठाया। आप चाहें तो इस बात की तस्दीक उस चौकीदार से कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, चौकीदार को मारिए गोली। मैं मानता हूं मदन साहब कि उस वक्त आप बहुत नशे में थे, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि बाद में आप पीछे के दरवाजे से बंगले में घुसे और निमी को खचाक। नहीं सर, मेरा मतलब यह है कि आप जैसा तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी यह बात अच्छी तरह से जानता है कि उसे कोई रनआउट नहीं कर सकता है। मैं खुद भी रनआउट नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अपने एक्टिंग करियर की सेंचुरी बनानी है। इसलिए मैं भी गलत शॉट खेलने की गलती नहीं करूंगा। मदन साहब, कभी कभी एक अच्छा बल्लेबाज भी गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, अब शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अगर आप चाहें तो मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर चौधरी से मेरे बारे में पूछ सकते हैं, तब शायद आपको मेरी बेगुनाही का यकीन हो जाए। आपकी अगली पिक्चर कब आ रही है? बहुत जल्दी। उसका नाम है शक्की इंस्पेक्टर। अरे वाह चौधरी साहब वाह, क्या बढ़िया लोकेशन है। यहीं पर फिल्मों के गाने वाने होते हैं क्या? हाँ हाँ। इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल आप मदन को शक के चश्मे से मत देखिए। अच्छा चलिए चश्मा निकाल देते हैं। आपके और हमारे बीच चश्मा क्या है? क्या है, मदन तो एक फिल्मी विलन है जो सिर्फ पर्दे पर मर्डर कर सकता है। रात्रि जिंदगी में वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। अच्छा, वेल डन चौधरी साहब, वेल डन। अरे वेरी वेल डन सर, क्या दोस्ती है, क्या सफाई से दोस्त को बचाया, दोस्ती निभाना तो कोई आपसे सीखे। वैसे चौधरी साहब, आपके ख्याल में आपकी भतीजी निम्मी का कातिल कौन हो सकता है? ख्याल में नहीं इंस्पेक्टर, ख्याल में नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि निम्मी के कत्ल का स्टेज अमृता के घर में तैयार किया गया था। अमृता अमृता अमृता, अच्छा अच्छा, वो फैशन डिजाइनर जिसके साथ निम्मी बतौर मॉडल काम किया करती थी। जी हाँ, वही वही, बस वही। चौधरी साहब, भला अमृता की निम्मी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सौतिया डा इंस्पेक्टर, सौतिया डा। कौन सा डा? सौतिया डा। अच्छा अच्छा, सौतिया डा। अमृता का ख्याल था कि निमी ने
उससे उसके पति अभितेज को छीन लिया है। हाँ, हाँ। लेकिन निमी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, ये बात और है, कुछ दिनों के लिए उसको कंपनी दी थी, कुछ दिनों के लिए उसके साथ आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। हाँ, अच्छा क्या, बस इसी बात से अमृता जलन की आग में जलने लगी, और ये आग तभी जाकर ठंडी हुई जब तक उसने निमी का कत्ल नहीं कर दिया। आप अमृता का दरवाजा खटखटा इंस्पेक्टर। चौधरी साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर अमृता ने निम्मी का खून किया है तो वो मेरे जाल में जरूर फंस जाएगी। कुलकर्णी को भेजना पड़ेगा। अरे चौधरी साहब, शक्ति कपूर, शक्ति कपूर, मिला ये ना सर। ए शक्ति, इधर। जन्मदिन मुबारक हो। ओह, गुड पार्टी। थैंक यू पॉल, अच्छा गाता है। एक्टर भी बुरा नहीं है। आज तो लोगों का इसने दिल जीत लिया। देखो ना कितना हैंडसम है ये। सुना है आजकल ये तुम्हारा मेहमान है। आप कहना क्या चाहते हैं? लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर भी हाँ, जाने दो। निमी और अभितेश का किस्सा लोग अब तक भूले नहीं, और एक ये नया सिलसिला। खैर जाने दो। मदन भाई, आप तो अभितेश की दोस्त हैं, कम से कम आपको तो ऐसी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। अब लोगों की जबान तो नहीं रोकी जा सकती, तब के सब कमीने बड़े घटिया किस्म के लोग हैं। कहते हैं जब देखो तुम्हारी एक बगल में बलवंत और दूसरी में पीछे, सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अब ठंडा हुआ तुम्हारे तन बदन? You son of a... Stop it, Paul! ये क्या बचपना है? Excuse me. Cool it, Paul. संभालो अपने आप को। मंजू से बाहर ले जाओ। ठीक है। चलो पॉल, कम ऑन, चलो। तुमसे कितनी बार कहा कि अगर तुमने सीमा से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कट। ओके प्रिंटेड। ओके फॉर यू। वंडरफुल, बहुत अच्छे मदन भाई, बहुत अच्छे। क्या शॉट दिया है, मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। और तुम, यू आर बॉर्न एक्टर, शाबाश। अब फाइट का नया सेटअप बनाएंगे, उसके बाद क्लाइमेक्स करेंगे। ओके बॉयज, न्यू सेटअप। आप थोड़ी देर आराम कीजिए। कैमरा यहां लेकर आओ और क्रेन लाओ। तुम्हारा जो सीन था उससे पे। I'll just keep my shot. Bye. मुबारक हो। इस बात की? सुना है तुम्हारी अमृता ने बलवंत की गुलामी करना कबूल कर ली है। मुझे क्या मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? अबे लौंडे, इतनी जल्दी भूल गया तू? इतनी जल्दी रंग बदल लिया तूने? कल ही की तो बात है कि तू क्या बकवास कर रहे हो। अच्छा, अब हम बकवास करने लगे? अबे रोमियो की औलाद, सारी इंडस्ट्री जानती है कि तुम तीनों एक ही बिस्तर में एक ही साथ। यू बास्टर्ड। मिस्टर पॉल, यहां आइए। रेडी मदन भाई? पॉल प्लीज कम हियर।
मदन भाई, एक्शन ऐसा है कि आपके हाथ में पिस्तौल है और आप पॉल पर गोली चलाते हैं, पॉल वहां खड़ा है और निशाना चूक जाता है, फ्लावर पॉट पर लगता है, फ्लावर पॉट टूट जाता है, उसके बाद आप दोनों में झड़प होती है, उसके बीच में थोड़े बहुत क्लोजअप्स हैं, फिर उसके बाद पिस्तौल आपके हाथ से गिर जाती है, पॉल तुम पिस्तौल उठा लेते हो, फिर तुम गोली चलाते हो, ठीक है? ओके, क्लियर? और हाँ, इससे पहले पब्लिसिटी फोटोग्राफ कर लें, चलो कम 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 कम। हाँ भाई, जरा ठीक से। हाँ, यार रेडी? ओके ओके, अब एक दूसरे की गर्दन पकड़ लो। मदन भाई आप भी जरा फेस इधर करो भाई। हाँ, थोड़ा क्लोज या बेटा। ओके, अरे यार ठीक से खड़े हो, दुश्मनों की तरह क्यों खड़े हो, जरा आराम से। हाँ रेडी सा। ओके, अब जरा छोटा सा पोज बनाते हैं, तुम जरा करीब आ जाओ और आप उंगली दिखाते हो जैसे डांट रहे हैं। या वन मोर। ओके, पॉल के क्लोज से पुट बैक करते हैं तो मदन भाई सामने खड़े हैं पिस्तौल लेकर, समझ गए पॉल? यस सर। तुम्हारी आंखों में खून उतर आया है, तुम सीमा से बेहद प्यार करते हो, उसे किसी भी सूरत में हासिल करना चाहते हो, मगर तुम्हारे सामने उसका जालिम बाप दीवार बनकर खड़ा हुआ है, समझ गए? तुम उसे मार डालते हो और मदन भाई जब गोली चलेगी ना, आपकी बॉडी पर एक ब्लड पैच होगा, आप छाती से लगाएंगे तो खून बहने लगेगा। एम आई क्लियर? ओके सर। भाई डायरेक्शन की एक्टिंग हो गई, अब टेक करते हैं। बसु जी सर, पिस्तौल रेडी, ऑल सेट, साउंड कैमरा 557 टेक वन, एक्शन। तुम सीमा और मेरी दौलत हासिल करना चाहते हो ना, और ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें मौत के रास्ते से गुजरना होगा। Yes. Keep it nice and tight. Okay. Goli mat chalana. Don't shoot. अच्छे, वेल डन पॉल, वेल डन मदन भाई। मदन भाई आप उठिए, अभी थोड़े से क्लोजअप हो जाएं। अरे उठिए मदन भाई, अरे उठ क्यों नहीं, क्रेन नीचे करो। मदन भाई अब उठिए, मदन भाई क्लोजअप लेने, मदन भाई, मदन भाई। सुभाष जी, एक इन्हें क्या हुआ? अरे इसमें रियल बुलेट्स हैं, असली गोली। हवलदार साहब बीड़ी दो ना। ए, चुप चुप, आजा माल ले लो। प्लीज सिट, बैठ बैठ। दरलाल पढ़ो। लड़ू, किससे लड़ू सर? दरलाल पढ़ो। ओ, ऐसा कहिए ना। नाम सुरेंद्र पाल, NRI, ब्रिटिश सिटीजन, उम्र सिर्फ 19 साल, पेशा स्टूडेंट। राइट राइट। इस फाइल में तुम्हारे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों मौजूद हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारे भारत आने के दो मकसद हैं, एक तो भारत के महान स्थानों की यात्रा और दूसरा अपने बाप दादाओं की जन्मभूमि के दर्शन। राइट? हो सकता है उस सूरत में जबकि तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। तुम अपने बाप से उतने ही दूर हो जितना पिच से बाउंड्री लाइन दूर होती है। राइट? कुछ नहीं बोला,
कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कोई दूसरी ही चीज है जिसकी कशिश ने शहजादे को भारत में रोक रखा है। जी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कुछ है, नहीं है। क्या रिश्ता तेरा अमृता से? हाँ जी, क्या रिश्ता है इसका अमृता से? क्या रिश्ता है अमृता से तुम्हारा? अच्छा अब आप पुलिस वालों ने लोगों की प्राइवेट लाइफ में भी झांकना शुरू कर दिया है। वो क्या है ना बरखुरदार, जब खून का मामला हो तो थोड़ी बहुत आंख झांक जरूरी है, और फिर तुमने तो दो ही बॉलों में दो महान बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर दिया। सर सर इसका हैट्रिक का इरादा तो नहीं है? क्यों भाई, तीसरा मारेगा क्या? आपका मतलब निम्मी और मदन के मर्डर से है? बैठो 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 बैठो। इंस्पेक्टर कुलकर्णी की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मर्डर से पहले तुम्हारा उन दोनों से झगड़ा हुआ था। ओ इंस्पेक्टर साहब, जरूरी तो नहीं जिस इंसान के साथ मेरा झगड़ा हो उसका मैं खून कर दूं। देखो बरखुरदार, तुम उस नए खिलाड़ी की तरह हो जो पहली बार टेस्ट खेलने के लिए मैदान में उतरकर विकेट के सामने खड़ा होता है, और कानून उस खतरनाक तेज बॉलर की तरह है जिसके सामने होशियार से होशियार मुजरिम बल्लेबाज की विकेट इनको की तरह बिखर जाती है। तो आप इंसाफ क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? एक बेगुनाह को तंग करने के बजाय असली कातिल को क्यों नहीं पकड़ते आप? असली कातिल तुम हो। हाँ। क्योंकि जिस रिवॉल्वर की गोली से मिस्टर मदन का खून हुआ था उसका ट्रिगर तुमने दबाया था। हाँ मैंने दबाया था, मगर वो एक फिल्म का सीन था। अगर पिस्टल के अंदर असली गोली मैंने बदली होती तो यकीनन पहली गोली जो आपके मदन साहब ने मुझ पर चलाई थी वो मुझे लगती। कातिल वही है जिसने गोली बदली थी। गोलियां तुमने ही बदली थी, खूनी तुम्हारे सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपकी नाकाम पुलिस फोर्स ने ईमानदारी से कोशिश की होती तो अब तक कातिल पकड़ा गया होता। ओह माय गॉड, हाउ डेयर यू से एनीथिंग डेरोगेटरी अबाउट माय डिपार्टमेंट। जल्द दिखाता हूं तेरे को। बोल, तूने खून किया? देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जमानत के पेपर सब ऑर्डर में हैं। देखिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? यशवंत। मिस्टर यशवंत, चीफ इंस्पेक्टर विजय सिंह का फैसला जमानत के कागजात का मोहताज नहीं होता। आपके आने से पहले ही मैंने पॉल को छोड़ने का फैसला कर लिया था, ले जाइए उसे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी मेहनत करने के बाद पाल को आपने छोड़ कैसे दिया? प्यारेलाल, कभी कभी शेर का शिकार करने के लिए बकरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं समझ गया मैं। प्यारेलाल जी, कुछ दिख रहा है? यस सर, प्रॉपर्टी रूम में एक साया जाता हुआ नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल से सर या तो यह साया खुद कातिल है या कातिल का कोई साथी। वेल डन प्यारेलाल। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार तूने छक्का मारा है। थैंक यू सर। लगता है अब तेरे इंस्पेक्टर बनने के चांसेस हो गए। सो गए? कौन सो गए सर? चांसेस सो गए। इतनी जल्दी सो गए? चल चल। क्या टाइम क्या हुआ अभी?